फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको स्वागत है। आज हम लोग एक नया चीज़ सीखेंगे, जिसे इस तरह के बैकग्राउंड के ऊपर अगर इस तरह ऐसा फ़ोटो रहेगा तो ये फ़ोटो को कैसे हटा सकते हैं हम लोग। इसके कई तरह ट्रिक्स है, जैसे आप कोलन टैब यूज़ कर सकते हैं, स्पॉट हीलिंग ब्रश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, 15-20 मिनट तो लग ही जाएगा इस फ़ोटो का मेरे ख्याल से। तो हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे आज, और देखिए कितना जल्दी और कितना एकदम कुछ सेकंड में गायब हो जाएगा ये फ़ोटो। तो इससे पहले हम सबको एक बार बोल देते हैं कि मेरा चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को। इसको क्या करना है, पहले लेसर टूल से इसको सिर्फ सिलेक्शन करना है, थोड़ा सा दूर दूर से, एकदम पास नहीं, थोड़ा सा दूर दूर से करना है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप इसको रेसो टूल से यूज़ कर सकते हैं और पेन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे, जिससे आपको कंफर्टेबल लगे। बस सिलेक्शन हो गया, इसके बाद क्या करना है, एडिट में जाना है, फिल में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो कंटेंट एरर है इसको क्लिक करना है, कंटेंट एरर है, इसका मोड जो है नॉर्मल रहेगा और ओपेसिटी जो है 100% रहेगा, सिर्फ इसको ओके करना है और कुछ नहीं करना है, प्रोसेस चालू हो जाएगा। अब जिसका सिस्टम जितना फास्ट है उसका प्रोसेस उतना जल्दी हो जाएगा, ये डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए कितना जल्दी ये फोटो गायब हो जाएगा, ओनली बैकग्राउंड रह जाएगा, देखिए कितना जल्दी ये हो गया, कुछ नहीं करना है, फ़ोटो गायब है, बैकग्राउंड जैसे के वैसे है, ना कहीं पे स्पॉट है, ना ही कहीं पे कुछ है, एकदम क्लीन है। एक इम्पोर्टेंट नोटिस है फ्रेंड्स, इस टाइप का फ़ोटो को, ऐसा बैकग्राउंड से फ़ोटो को हटाने के लिए ये जो ट्रिक्स मैंने बताया, एडिट में जाके, फिल्म में जाके, कंटेंट एवर है, ये सिर्फ CS5 से शुरू हुआ है। फोटोशॉप CS5 से मिलेगा आपको, CS5, CC, CS6 से मिलेगा, उसके नीचे का वर्जन तो आपको नहीं मिलेगा, CS2, CS3, CS4 इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये सेप शुरू होता है CS5, CS6, CC, उसके ऊपर जितना वर्जन है सब में मिल जाएगा, इतना सा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये ट्रिक्स अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा ये यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या है, मैंने जो आगे जो वीडियो अपलोड करना है वो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। थैंक यू।